दुनिया भर में कैंसर के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं में से एक है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो खासकर महिलाओं के ब्रेस्ट में होता है और ये दुनिया भर की महिलाओं में सबसे आम प्रकार का कैंसर है। ये कहना बेहद मुश्किल है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे आखिर वजह क्या है, लेकिन कई रिसर्च में ये खुलासा किया गया है कि इसके पीछे का कारण लाइफस्टाइल और खराब खानपान हो सकता है। इसके पीछे के कारण बढ़ती उम्र, जेनेटिक, मोटापा, धूम्रपान, ज्यादा शराब पीना, बच्चे ना पैदा करना और या अधिक उम्र में बच्चे पैदा करना शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों में ब्रेस्ट में गांठ पड़ना, ब्रेस्ट के साइज में बदलाव होना, ब्रेस्ट या उसके अगल बगल में दर्द होना, व्हाइट पानी निकलना, स्किन में बदलाव होना, ये तमाम लक्षण शामिल हैं। दरअसल एक रिसर्च में पता चला है कि भारत में हर 4 मिनट में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी का पता चलता है, जबकि इसके इलाज के समय भारतीय महिलाओं की औसत आयु वेस्टर्न महिलाओं की तुलना में 1 दशक कम है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंड्रोक्राइन सर्जरी विभाग के HOD प्रोफेसर आनंद मिश्रा ने ग्लोबोकेन 2020 अध्ययन का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर की घटनाओं में आए दिन वृद्धि हो रही है। अगर इस बीमारी से बचना है तो इसका तुरंत इलाज शुरू करवाएं। अक्सर 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मेमोग्राम की सिफारिश की जाती है। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी शामिल है। अगर समय रहते इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।